वाला चुनाव जो 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, किन मुद्दों पे वोट करने जाएगा आपके यहाँ का मतदाता इस बार? भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केजरीवाल साहब ने पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री है लगभग, और तीसरी बात लेडीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट फ्री है, ठीक है ना। इससे बड़ी बात कोई सरकार ने की नहीं, तो हम तो भैया केजरीवाल को ही देंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फ्री करने की आदत जो है लोगों को काम चोर बना देगी। देखो, काम चोर तो उन्हें बनाएगी ना जो खर्च नहीं करना चाहते, काम चोर तो वो बनेगा, लेकिन जो खर्च करना चाहते हैं, जेंट्स तो खर्चते ही हैं ना, हम भी तो स्कूटी चला रहे हैं, पेट्रोल पे खर्च कर रहे हैं। रहा सवाल लेडीज़ का, गरीबों का, वो गरीबों की भलाई है। अब एक गरीब आदमी की तनख्वाह अगर 10,000 रुपये हो, 3,000 बिजली का बिल चला गया, 3,000 उसकी ट्रांसपोर्टेशन में लग गया, पानी में 1,000 लग गया, तो बच्चे का खाएगा क्या वो? अगर ये तीन चीज़ फ्री होंगी, 10 साल में खाना तो खा लेगा वो, 1 महीने का, ये चीज़ सोचो आप। आपको नहीं लगता इससे सरकार का जो घाटा है, हाँ जी, वो उस पर फर्क पड़े, असर पड़ेगा? देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपको, सरकार के घाटे पे तो हमेशा घाटा ही रहता है, असर की तो आप बात ही छोड़ दो, जो भी सरकार आती है लंबे लंबे वादे करके चली जाती है, लेकिन हमने आज तक देखा नहीं कि क्या किया क्या नहीं किया। अभी कॉलोनी का मुद्दा जो लगा हुआ है कि भाई पास हो गई, हम मानते हैं कि ठीक है लोकसभा राज्यसभा में पास हो गई, लेकिन हम तक तो कोई ऐसा वो नहीं आया ना। आपको क्या विश्वास नहीं है कि पास नहीं? विश्वास तो जब राष्ट्र, देखिए रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है, अगर आप किसी क्लास में पास एग्ज़ाम देते हैं, 1% आप उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, ठीक है, तो आप पास माने जाएंगे, फेल हो गए तो फेल हो गए। अभी पास नहीं हुई है? नहीं, पास तो हो गए, हम मान रहे हैं, सर्टिफिकेट वो हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम मान रहे हैं, हम तो मान रहे हैं पास हो गए। आप मानते हैं पक्की कार्रवाई जो होनी है वो भी हुई? वो भी हुई नहीं, हो जाएगी। अगर वो हो जाती है तो उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? उसका क्रेडिट बीजेपी को देंगे। देखो एक बात सुनो, फायदे का सौदा, अगर आप आज की डेट में आपको मेरे से फ़ायदा है तो आप मुझे कहेंगे ना, आपको इनसे फ़ायदा, पड़ोस से तो आप उनको बोलेंगे ना। एट प्रेजेंट जो फ़ायदा चल रहा है केजरीवाल साहब से चल रहा है, ठीक है, वोट फॉर केजरीवाल जी। हाँ, किन मुद्दों पर आप वोट करना चाहेंगे? अब जो अब से बाद में हमारे, हमने बोला था उनसे, दोनों से बोला था, बीजेपी से भी, कांग्रेस उससे भी, झाड़ू वाले से भी, भाई हमारे सीवर का एक पैप है, वो एक मैन हॉल है, उसे कर दो, सीवर पास करा लो, वो कर दो, सीवर का कर दो, तो उसमें हम कर देंगे पूरा। अब आपकी कॉलोनी पक्की हो गई है ऐसा कह रहे हैं? पक्की तो हो ही गई है। तो आपको लगता है कि रजिस्ट्री हो जाएगी और बाकी सब काम जो अभी तो ये जुगले हैं, ये सब मोदी जी अभी गए थे जब, बिल्कुल बाहर पोस्टर लगा हुआ है, पोस्टर तो हर बार ऐसे लगा देते हैं, पोस्टर तो कुछ ना। यहाँ के रहने वाले? हाँ जी। हाँ, तो कैमरे से क्या नुकसान है और क्या फायदा है? उस कैमरे से मेन तो कुछ दिखता ही नहीं है। हाँ, वहाँ लगा दिया कैमरा सामने। अच्छा, ये सारी यही दिखता है चबूतरा बस। अच्छा, कॉलोनी आपकी पक्की कर दी है? हाँ, ऐसा सरकार कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है और आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनके प्रयासों से आपकी कॉलोनी पक्की हो गई। हाँ, आपको क्या लगता है, यकीन है रजिस्ट्री होने लगी है क्या? देखो जी, जब हम तो जब मानेंगे, जब जिस दिन रजिस्ट्री हाथ में आने लग जाएगी, रजिस्ट्री सचमुच वाकई होने लगी हो, तो इसका श्रेय आप किसका, क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? उसका क्रेडिट तो जी, जो नॉन ऑथराइज कॉलोनी का जो मुद्दा था मेन, वो कांग्रेस का था, जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, सीवर भी यहाँ कांग्रेस के टाइम में डला था, जो अधूरा पड़ा है, आम आदमी पार्टी ने उसको पूरा नहीं कराया। अच्छा। पानी की लाइन है, वो भी कांग्रेस के टाइम में डली थी, जो आज चल रही है। कौन सी सरकार ने यहाँ के लिए कुछ काम किया? वैसे तो ये नॉर्मली कांग्रेस सरकार के लाई जाती है। अच्छा। और कॉलोनी कांग्रेस ही है, जो क्रिश्चियन लोग हैं सारे कांग्रेस ही हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? हम लोग शुरू से ही क्रिश्चियन लोग हैं, कांग्रेस ही हैं। अच्छा। अरे, हम कांग्रेस को ही वोट करते थे, बीच में अब थोड़ी सी वो हो गया, बीजेपी यहाँ से कभी नहीं जीती हमारे यहाँ से, कभी भी हमारे ब्लॉक से हमेशा कांग्रेस ही जीती है। अब 2 साल से जो आम पार्टी है उसको वोट जा रहा है। अच्छा। कांग्रेस को भी जा रहा है और बीजेपी को जा रहा है, बीजेपी को हमारा वोट नहीं जाता है यहाँ से। किन मुद्दों पे क्यों नहीं जाता, क्या नाराज़गी? बीजेपी से हमारे को शुरू से ही अलग ही है, हमारी क्या नाराज़गी होगी, हमारे को पसंद ही नहीं है, सरकार ही नहीं पसंद बीजेपी। किन कारणों से आपको पसंद नहीं? बहुत कारण है हमारे तो, अब क्या क्या कारण बताया, सबको पता, दुनिया को पता चल रहा है कि CAM ईसाइयों को भी नागरिकता दे रहे हैं, जो 3 देशों से, उसमें इन्होंने ईसाई धर्म को भी शामिल कर लिया है CAM में, उसके बाद भी अभी नाराज़गी दूर नहीं होती? हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे जो भी कोई भी फंक्शन होता है, सबसे पहले तो पहले कांग्रेस थी तो कितना हमारे बारे में बोलती थी फंक्शन में, क्रिसमस के बारे के अंदर बताती थी, ईस्टर हमारा आता है उसके अंदर बताती थी, लेकिन ये लोग हमारे बारे में कुछ भी नहीं बता पाते बीजेपी वाले,
इसलिए हमारी नाराजगी रहती है इनसे। और हमारे तो कहते हैं बीजेपी मुसलमानों की पार्टी है, कह रहे हैं आपका भी सपोर्ट है उन्हें। हमारा तो यहाँ से तो सपोर्ट नहीं है, बाकी और जगह से मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हमारे यहाँ से कोई सपोर्ट नहीं है।